हेलो दोस्तों, देखिए पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल अपने पक्ष में करने के अलावा कुछ और शर्तें मानने को मजबूर कर रहा है भारत को। क्या कुछ बयान आया है इसी पर आप लोग से बातें करेंगे। आप सभी लोगों में स्वागत है, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए जैसे आपको पता है कि जो एशिया कप 2023 है उसका आयोजन जो हाइब्रिड मॉडल होंगे, चार मैचेस पाकिस्तान होंगे, बचे हुए जो मुकाबले हैं वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो 5 अक्टूबर से भारत में खेले जाना है, वहां पे 15 अक्टूबर भारत वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला है जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। उस मुकाबले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान चाहता है कि यह मुकाबला अहमदाबाद में नहीं खेलेगा। नॉकआउट के मुकाबले तो खेल सकता है लेकिन लीग्स के मुकाबले वो अहमदाबाद नहीं खेलेगा। वो चाहता है साउथ रीजन में ये मुकाबले हो, क्योंकि जो मैक्सिमम मुकाबले हैं पाकिस्तान के या तो हैदराबाद में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है या तो चेन्नई में है। लेकिन ये जो 15 अक्टूबर वाला मुकाबला है, ये आपका लीग का मैच है जहां पे भारत पाकिस्तान भिड़ेंगे, वहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित है वहां पे खेलने से मना कर रहा है। देखिए इसमें बहुत सारी वजह है खेलने की, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी आपके पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसकी वजह से शायद ये मसला हो सकता है। क्योंकि आप जब नॉकआउट के मुकाबले में आप अहमदाबाद में खेलने के लिए कह रहे हैं तो ऐसा कौन सी चीज हो गई कि लीग्स के मुकाबले में ये बोल रहे हैं कि हमें अहमदाबाद में नहीं खेलना है, ऐसी कौन सी बात हो गई है? तो मुझे लगता है यही बात है कि प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, शायद उनके वजह से पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है। तो देखिए अभी जो चीजें कर रही कि हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया है जिस तरह पाकिस्तान ने, वो चाहता अपने और शर्तें मनवाए जाए, क्योंकि बीच में धमकी भी दे रहा था पाकिस्तान की ओडीआई वर्ल्ड कप खेले भारत नहीं जाएगा, और अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होता है एशिया कप तो हम भी ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल कराएंगे। लेकिन अभी इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी चीजें ऑफिशियल नहीं है, सोर्सों के माध्यम से आई है, क्रिक बच की तरफ से इस बार खबरें रिलीज की गई है, सुनाई गई है। तो देखिए अभी देखिए ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन अभी जो शेड्यूल जब आएगा, जब आईसीसी का जो पूरी तरह शेड्यूल आएगा उसमें पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाएगा आखिर में 15 अक्टूबर की जो मुकाबला है भारत से पाकिस्तान का वो आप कहां आयोजित होंगे। मोस्ट लाइकली तो अहमदाबाद में होस्ट होंगे, क्योंकि देखिए अहमदाबाद बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है लोगों को आने की, तो उस क्योंकि बहुत हाइप होता है भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर, तो उस मुकाबले के बीच को लेकर जो चीजें खबर निकल कर आ रही यही आ रही है कि पाकिस्तान अभी मना कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस वेन्यू को कि खेला जाए, और आगे ये भी कह रहा है कि हम नॉकआउट मुकाबले तो खेल सकते हैं अहमदाबाद में लेकिन लीग मुकाबले नहीं खेल सकते हैं, हमें साउथ जोन चाहिए। तो इस तरह चीज निकल सामने आ रही है, लेकिन अभी देखिए ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है, और आईसीसी का जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो वहां पर बहुत कुछ कन्फर्म हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं वीडियो में, बैठे। जय हिंद, जय भारत।